डायल पैड की चार खुफिया सेटिंग, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे और अपने दोस्तों को चौंका दोगे। यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं वो डायल पैड की चार खुफिया कौन सी सेटिंग है। और दोस्तों यहाँ पर चार खुफिया सेटिंग, चारों बहुत मोस्ट सेटिंग है। आपको यहाँ पर पूरी सेटिंग को ध्यान देना है, यहाँ पर देख सकते हैं और अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं दोस्तों। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन को इस तरीके से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको परमिशन देना है। परमिशन देने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर परमिशन देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ओपन होगा। यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है नीचे वाले पर। यहाँ पर फिर आकर यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, फिर आकर नेक्स्ट कर देना है, फिर आकर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। जैसे स्किप करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके फ़ोन का डायल पैड यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर ये डायल पैड बिल्कुल यहाँ पर आईफोन के तरीके हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की सेटिंग। दूसरे नंबर की सेटिंग दोस्तों बहुत ही मोस्ट है, इसे ज़रूर से ज़रूर दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की सेटिंग को देखना है। यहाँ पर दूसरे नंबर की सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग पर आना होगा। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक फेक कॉल का ऑप्शन, से फेक कॉल। दोस्तों फेक कॉल ये सेटिंग करने से आप कहीं फंसे हुए हैं या आपको, यानी आप किसी अपने फ्रेंड के साथ हैं या किसी दोस्त के यहाँ किसी अन्य जगह पर हैं और वहाँ पर फंसे हुए हैं, आप वहाँ से आना चाहते हैं और या आपके दोस्त या कोई और है, तो यहाँ पर आपको आने नहीं देता। यहाँ पर कह रहा है थोड़ी देर और रुको। यहाँ पर जैसे आपके दोस्त हैं या कोई कहीं पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं फेक कॉल करके कि किसी का फ़ोन आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर फेक कॉल कैसे करना है, या अपने दोस्तों के साथ है या गर्ल फ्रेंड के साथ है या किसी के साथ है, तो अपने यहाँ पर फ्रेंड या गर्ल फ्रेंड का यहाँ पर नंबर शो करा सकते हैं, या अपने फैमिली में किसी का नंबर शो करा सकते हैं, या अपने किसी बॉस का नंबर यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको इसे ग्रांटेड परमिशन कर देना है। परमिशन करने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा आपको कॉलर इन्फो का ऑप्शन, तो यहाँ पर कॉलर इन्फो में जाना है। कॉलर इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बॉस, मैंने बताया था जैसे कि बॉस का फ़ोन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है या कि अपने फ्रेंड का यहाँ पर नाम डालना चाहते हो, या गर्लफ्रेंड का नाम डालना चाहते हो, या गर्लफ्रेंड का नाम डालकर अपने दोस्तों को चौंकाना चाहते हो कि यार उसका फ़ोन आ रहा है, वो फ़ोन कर रही है, मुझे जाना होगा यहाँ पर। इस तरीके से अपने फ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पर से बात करते हैं, एक हमने नाम डाल दिया यहाँ पर, जैसे हमने नाम डाल दिया जानू। अब इसका नंबर आप दिखाना चाहते हो, किस तरीके का नंबर आपको होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कोई नंबर आपको सेलेक्ट कर देना है। अब नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेव कर देना है। यहाँ पर फोटो आपको लगानी है तो यहाँ पर आप फोटो भी लगा सकते हैं। कोई एक फ़ोटो यहाँ पर से आपको सेट कर लेना है, या फोटो लगाना चाहते हो कि यार देख सकते हैं, फोटो भी दिखाना चाहते हैं कि इसकी फ़ोटो है, इसी का फ़ोन आ रहा है, तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। अब सेट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको बैक कर देना है। यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ पर बैक कर देना। अब यहाँ पर आएगा कॉल इन्फो का ऑप्शन से यहाँ पर। अब दोस्तों जो मैंने यहाँ पर नेम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं सुचेबल कॉल। यहाँ पर इस तरीके से आपको थर्ड ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर मेरे फ़ोन की स्टोरेज कुछ भर चुकी है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर स्किप हो गया। यहाँ पर कोई बात नहीं, तो हमें इस तरीके से आ जाना है। अब आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से सुचेबल में आना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉस का या अपने फैमिली मेम्बर से किसी का फ़ोन यहाँ पर आप कितनी टाइम में चाहते हैं कि इतनी देर बाद आ जाए किसी के पास, या आप खड़े हैं या किसी के यहाँ गए हुए हैं, आपको वहाँ से आना है, नहीं आने दे रहे हैं, तो यहाँ पर 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में आप लगा सकते हैं और कह सकते हैं मुझे ज़रूरी है, मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पर 10 सेकंड को लगा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 10 सेकंड का लगाने के बाद यहाँ पर आपको बैक कर देना है।
अब बैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 10 सेकंड में यहाँ पर कॉल आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अब ये कॉल आ चुकी है, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करके यहाँ पर आप उठा भी सकते हैं, उठाकर यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं, नहीं यार देख दोस्त मेरे यहाँ पर कॉल आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं और इसे कट भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरी सेटिंग, यहाँ पर तीसरी सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर तीसरी सेटिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको कॉल कॉल अनाउंसर का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं या आप किसी काम पर लगे हैं या आपका फ़ोन जेब पर है कहीं रखा हुआ है, यहाँ पर आप उसकी किसी की कॉल उठाना चाहते हैं किसी की कॉल नहीं उठाना चाहते, यदि आपके फ़ोन पर नाम उसका सेव है तो यहाँ पर नाम लिख कर आ जाएगा, यानी नाम बोलेगा कि इस नाम का फ़ोन आ रहा है, इस बंदे का फ़ोन या बंदी का फ़ोन आ रहा है आपके फ़ोन पर, आपकी मर्ज़ी, यदि उसे एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट, नहीं तो उसे बजने देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्पीक नोन नंबर, इसे ऑन करने से उसके नाम जो नंबर आएगा जिस पर नाम नहीं सेव हो तो उसका नंबर बोल कर आ गया। मान लीजिए आपने कोई नंबर यहाँ पर फीड किया हुआ है और उसका नाम नहीं सेव हो तो उस नंबर को आपको बोल कर आएगा। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर की सेटिंग थी, बहुत मोस्ट सेटिंग है। अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पर आपको बैक कर देना है। अब बैक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा चेंज बटन स्टाइल का, चौथे नंबर की सेटिंग, बहुत मोस्ट सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं अभी नॉर्मल मोड में आपका डायल पैड है, यहाँ पर कॉल जो आएगी नॉर्मल मोड पर। अब आपको इसको टिक कर देना है, इसे टिक करने से यहाँ पर ये होगा, टिक करने के बाद यहाँ पर इस ये होगा कि आपके फ़ोन का बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगा आईफोन के तरीके, आपका यहाँ पर कॉल आएगी जैसे स्लाइड करोगे तो एक्सेप्ट होगा और यहाँ पर डी एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चारों सेटिंग बहुत ही मोस्ट है। तो जाइए यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ऐप का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप ये ऐप की सेटिंग करके अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।